और सब गाइस कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8 और हम होने रेडी और फिर हम जा रहे हैं यहाँ से देहरादून वापसी अपने घर। तो जल्दी से मैं तैयार हो जाता हूँ, तैयार होकर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो मैं हो गया बिल्कुल तैयार और अभी हम जा रहे हैं स्टेशन। तो अभी बिल्कुल तैयार हो गया हूँ, जैकेट पहन ली है, पैंट पहन ली, शूज़ भी पहन लिए मैंने। तो चलते हैं जल्दी से अब स्टेशन, ठीक है। जा रहे हैं हम रिक्शा लेने के लिए और बारिश हुई है रात बहुत तगड़ी, 2-3 दिन से हो रही है। तो रिक्शा देखते हैं आगे चल के, देखते हैं रिक्शा आएगी नहीं आएगी। रोज अभी स्टेशन जाना है और अभी 9 बजने वाले हैं, 9:50 की अपनी ट्रेन है। ये रिक्शा वाला आ रहा है बट उसके पास जो है दोस्त लोग बैठे हैं तो वो तो नहीं जाएगा। और स्टेशन वैसे भी लेफ्ट साइड में है। तो वो भैया मिल गए रिक्शा वाले भी और ये लेकर के जाएंगे जी। तो अभी जा रही है रिक्शा बैक होती हुई घर के पास, फिर सामान डालेंगे और चलेंगे। बस को ऊपर को रख लो ना। अरे रुक जा, छोड़ देते बस। आते हैं हम पकड़ लेते जाते हुए का सफर। तो गाइस अब अभी हम आ गए हैं नजीबाबाद रेलवे स्टेशन और अभी जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जिस पर हमारी ट्रेन आने वाली है 9:50 पर। यहाँ से चली जाएगी वो ट्रेन, यानी कि 9:49 पर आ जाएगी। तो जल्दी से चलते हैं उधर। तो अभी मेरे पास है दो बैग, ट्रॉली है इसके ऊपर, ये वाला बैग है और गिर भी सकता है, इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड है इसको चलाना मगर चल रहे हैं हम। फिर भी गड्ढे हैं यहाँ पर, तो भी मैं प्लेटफॉर्म पर ही जाके मिलता हूँ आप सभी से, बिकॉज मेरे से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ऐसे चलाने में, ठीक है। ये ब्रिज से बिकॉज ट्रेन आ रही है नीचे से। ये देखो पीछे ये रहा बैग, चलने में काफ़ी ज़्यादा मुझको दिक्कत रहती है और आवाज़ भी बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, कि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, एडिट करने में। तो गाइस अभी हम ब्रिज पे पहुंच गए हैं, यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ एक बारी, व्यू कैसा आ रहा है। तो वो सामने का व्यू काफी अच्छा लगा मुझको। अभी ट्रेन दिखा देता हूँ, ट्रेन आ रही है। आई थिंक ये मालगाड़ी जो होती है वो है, उधर है इसमें, मतलब कोचेस हैं। और अभी तो भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ बैग खींच खींच कर। हाँ मंतिशा भी और मैगी उधर चले गए हैं, दोनों सिस्टर मेरी, मैं इधर हूँ पता नहीं क्यों। तो हम भी चलते हैं बस, बिकॉज ट्रेन भी अब जा चुकी है। देखो चली गई ट्रेन, तो चलते हैं जल्दी से हम भी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, बिकॉज अगर हम लेट हो गए तो फिर कल ही जाना पड़ेगा, कल भी ट्रेन नहीं है नजीबाबाद के लिए, मतलब देहरादून के लिए। क्या हुआ? वो वाला बैग तो भारी है, खाली उठाना चाहिए था। भारी नहीं है, मैंने खुद ने उठा दो बैग, कोई नहीं इतना ज्यादा भारी नहीं है। तो गाइस अभी हम नीचे जा रहे हैं बहुत ही मस्ती में और आवाज आ रही होगी पीछे बैग की, तो नीचे आके मिलता हूँ अब, ठीक है। मेरी मम्मी उधर की तरफ से बैग ला रही है खालू के साथ, तो अभी उनकी भी थोड़ी सी हेल्प करी जाए,
और बैग लेके आ जाए। वैसे भी ट्रेन का मैंने जो रनिंग स्टेटस देखा है वो भी 9 मिनट डिले है, यानी कि 9:59 तक ही आएगी शायद। जल्दी आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, 12:30 बजे की टाइमिंग है देहरादून की, देखते हैं अभी क्या होएगा। ट्रेन जो है 4th डब्बा है हमारा जी, 4th नहीं मतलब लास्ट से 4th वाला है। हाँ लास्ट से 4th है। हाँ मैंने फोन में देख लिया है, लास्ट से 4th है, लास्ट वाले डब्बे से 4th में आ रहा है। नंबर क्या D4 ही है क्या? नहीं D6 है, D6। ओह कितना बड़ा ये वाला बैग है, बहुत बड़ा साइज है इसका भी। फिर एक बैग ये वाला है जिसको मैं लेकर आया, फिर एक पिंक बैग उधर है, और थोड़ा सामान है, बहुत सारा सामान इन लोगों ने लाके दिया है मुझे, इन्होंने इनकी वजह से सारा सामान आ जा रहा है देहरादून। बैग बिल्कुल ठीक था और अभी टूट चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको खींच करके कैसे लेकर जाया जाए। हटो भाई हटो, गाड़ी आ रही है, धूप में खड़ी हो बाबू। बहुत देर से मैं इस डॉगी को देख रहा था और ये भूखा है, तो इसलिए मैंने बिस्किट्स लिए हैं। अब इसको बिस्किट्स डालेंगे, ठीक है, बिस्किट खिलाएंगे इसको। लो आ जाओ, एक सेकंड रुको, रुको मैं खिलाता हूँ। डॉग्स को बिकॉज डॉग्स काफ़ी ज़्यादा भूखे रहते हैं, मैं अपने घर के पास भी खिलाता हूँ डॉग्स को। और ये जैसे मुझे दिखा मैंने जल्दी से गया और बिस्कुट्स लिया इसके लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है सभी खिलाया करो यार, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं डॉग्स। तो अभी वेस्ट जो है हम डस्टबिन में डाल देते हैं इधर, इस डस्टबिन में डाल दूंगा मैं, इससे क्या होगा ना स्टेशन गंदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो बाय बाय डॉगी, चलते हैं अब मम्मी के पास। अभी चढ़ता हूँ मैं ट्रेन में और अपनी सीट पर चलते हैं, ठीक है। सही है।
आर इन देहरादून और बहुत थक गया हूँ मैं। मेरे पास दो बैग हैं, वही वाले दो बैग पीछे रास्ते जा रहे हैं हम, तो बाहर निकल कर के बात करते हैं। मिल गया हमें रिक्शा वाले भैया, तो अभी आ रहे हैं। रिक्शा वाले के पीछे से सामान रख दिया, थोड़ा बहुत थोड़ा आगे रखा है तो रखवा लेंगे। और चलते हैं भाई घर, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और अपनी दोनों साइकिल्स भी देखनी है, K30 और ग्लोबैट, फिर चैन मिलेगी दिल को। पहुँच गए थे बट अभी ताला लगा है, और चाबी जो है वो है पापा के पास, और पापा भी आएंगे थोड़ी देर में, इतनी हम बैठते हैं खा लेंगे यहाँ पे चल के, ठीक है। बाकी साइकिल निकालते वक्त आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, फिर वीडियो एंड कर देंगे। ओके, बाहर निकाल लिए, आप K30 को साइड करते हैं। पहले ग्लो बैट लगा दी इधर, ग्लो बैट लगी, K30 करते हैं। और आई थिंक इसमें पंचर हो गया खड़े खड़े, उसको जल्द से जल्द हम सही करवाएंगे, आज ही जाएंगे। और एक बार लुक दिखाओ भाई अर्षित, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दे, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।